हेलो गाइस, सो जल्दी से ईयरफोन प्लग इन कर दीजिए और ये है हमारे गाइड भाई साहब। ठीक है, ये अच्छे से ये कर रहे थे और फिर उनकी ये कलीग है। हम आए थे एक पर्ल वर्कशॉप में जहाँ पे मोती बनते हैं लाइक स्क्रैच टू एडवांस लेवल, और कैसे वो एक्चुअल में बनते हैं ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री कल्चर सब कुछ ये मैडम जी हमें बहुत ही अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में बता रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पीक। और बहुत सब कम लोगों को इंग्लिश भी आती है वियतनाम में, वो भी एक क्वेश्चन रहता है, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ द ट्रांसलेटर वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी शॉपिंग और समथिंग एल्स। सो या, सो ये डिफरेंसेस बता रही थी और उस टाइम पे मुझे फील हुआ ओके, देर आर सो मेनी वैराइटीज़ और हमें तो ये सब चीज़ पता ही नहीं रहती। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने जाते हो तब एक्चुअल में आपको पता चलता है कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं अजीबे, और यहाँ पे ये सब जानने के लिए भी बहुत सारे लोग क्यूरियस थे कि ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करके इसकी इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दूसरे लोगों तक लेके जाएं। सो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इसने दी थी और इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया, और जो नहीं पता था वो भी इन्होंने दिखा दिया। आप देख रहे होगे ये क्या, कोई तो साइंटिफिक लैब में आ गए हैं हम लोग और चेक टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, बट नहीं, एक्चुअल में हीरे जो मोती रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑयस्टर्स जो सी से, सबको पता है कि सी से शेल से आते हैं, लेकिन वो उसको ढूंढने का प्रोसेस क्या है, वो कौन से कैटेगरी का मोती है, वो सब कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे विदाउट एनी कट मार्क किए बगैर कैसे निकालते, इस सब का प्रोसीजर है। लाइक आप देख सकते हैं ये मैडम जी हमें दिखा रही थी इसके अंदर का, तो जितना पुराना मोती रहता है उतना ज़्यादा कॉस्टली रहता है, ऑब्वियसली ये सबको पता ही रहे चीज़ें, और इन्होंने तो हमें एक डेमोस्ट्रेशन ही दे दिया लाइक लिटरली कट करके। आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन बट फील हो रहा था कि ओके ये ऐसे होता है, कट करके उसके अंदर से उसने मोती निकाल के हमें दिखाया कि ये है भाई साहब, और इसकी रेयरनेस जो है वो भी बताए बिकॉज ये बहुत ही पुराना था, और यू कैन सी ओरिजिनल फ्रॉम द मोती, ये ऐसे आते हैं मोती। पर्ल्स पहनते टाइम तो कभी फील नहीं होता है, लेकिन पहली बार देखने के बाद ये पर्ल वर्कशॉप ज़रूर आप ट्राई करना जब आप वियतनाम में रहोगे। इसके बाद का टड़ा मेन चीज़ तो अभी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से मुझे फॉलो करो और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। डू सब्सक्राइब।